जय साई राम। बाबा साई राम की लीला बाबा ही जाने, बहुत सुंदर लीला बाबा की भक्तों को सुनाने जा रहे हैं। धूपखेड़ा बहुत फेमस गांव है शिरडी के पास में। धूपखेड़ा के चांद पाटिल, इनके पास में बहुत सारी घोड़ियां और घोड़े, ये लोग ये बेचते भी थे और उनका व्यापार भी करते थे। तो उनकी सबसे प्यारी घोड़ी खो गई, कहीं खो गई, 4 महीने हो गए खो गई। बहुत से जगह उन्होंने ढूंढा लेकिन बाबा की घोड़ी कहीं नहीं मिली। निराश होकर अपने रिश्तेदार, अपने परिसर में जाके हर जगह देखा, निराश होकर औरंगाबाद से अपने धूपखेड़ा गांव जाने लगे। औरंगाबाद से 4.5 कोस दूर जंगल से जाते समय उनकी नजर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे सुंदर 16 साल के बालक पर पड़ी। उनके शरीर पर सफेद कफनी चमक रही थी, जैसा चांद चमकता है वैसी सफेद कफनी बाबा के ऊपर चमक रही थी। चांद पाटिल जा रहे थे, बाबा ने देखा कि वो शख्स जो जा रहा है बहुत निराश है, परेशान है। बाबा ने उसे आवाज दिया, ओ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। तो उन्होंने देखा कहाँ से आवाज आई, तो उस आम की पेड़ की ओर जहाँ उन्होंने वो एक शख्स को देखा था, एक सुंदर बालक को देखा था, उन्होंने आवाज दिया। फिर चांद पाटिल उस बाबा की ओर चल पड़े। बाबा ने पूछा, अरे बंदे आपके चेहरे पे बहुत परेशानी नजर आई है, क्या बात है, क्या हो गया है। उन्होंने बताया, बाबा मेरी घोड़ी जो बहुत मुझे सबसे प्यारी है, वो घोड़ी मेरी 4 महीने से घूम गई है। हर जगह बाबा हमने ढूंढा लेकिन बाबा कहीं घोड़ी दिखाई नहीं दी। मैं बहुत परेशान हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी घोड़ी ठीक है, अरे तुम्हारी घोड़ी तो यहाँ नाले के पास चल रही है। ये शब्द सुनने के बाद चांद पाटिल उनकी तरफ एक टक देखने लगे कि ये बाबा फकीर ये क्या कह रहे हैं। मैं 4 महीने से इधर ढूंढ के परेशान हो गया, अब मैं जहाँ आया हूँ उसके करीब घोड़ी है नाले के पास। तो बाबा को निहारते हुए उसी ओर चल पड़े जहाँ नाला है, और वहाँ जाके देखा तो उनके आंखों से अश्रु बहने। फिर उस घोड़ी को लेके चांद पाटिल बाबा के पास लौटे और अश्रु भरे आंखों से हाथ जोड़ के विनंती की कि हे बाबा आप महान हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप महान संत हो, आपने एक ही क्षण में मुझे मेरी घोड़ी दिला दी। बाबा मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ धूपखेड़ा चलिए। उसके पहले बाबा ने और एक चमत्कार दिखाया। बाबा के हाथ में चिलम थी, उस चिलम को चांद पाटिल भी निहार रहे थे। चांद पाटिल निहार रहे थे कि चिलम तो है, आग कहाँ है, पानी कहाँ है। तो बाबा ने अपने हाथ में जो चिमटा था वो जमीन में डाल दिया। जमीन में डालते ही आग का गोला बाहर निकला और पानी का पिचकारी भी बाहर निकली, पानी का नल बाहर वहाँ से निकला, एक धार बाहर निकली जमीन से। तो उन्होंने पानी से चिलम का जो कपड़ा रहता है वो छोटे कपड़े को धोया और अंगार उसमें रखी। ये देखते ही चांद पाटिल अवाक रह गए। उन्होंने बाबा का चमत्कार देखते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने ठान लिया कि बाबा को साथ में ले जाना है। और उसी शख्स बाबा के चरणों में गिरकर उन्होंने विनती किया कि हे बाबा हमारे साथ हमारे गांव चलिए। तो उन्होंने चांद पाटिल जी ने बाबा को बड़े आदर से धूपखेड़े ले गए और धूपखेड़े में बाबा काफ़ी दिन तक रहे। चांद पाटिल ने उनकी बहुत सेवा की, उनका प्रचार प्रसार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
जय साईनाथ महाराज, जय साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज का एक छोटा सा बखान हम गा रहे हैं। जय साईनाथ महाराज की जय।